से ये राजा महाराजा है और मैं इनकी दासी हूँ। हाय गाइस, वेलकम टू द व्लॉग। और हम लोग एज यूजुअल छत पे घूम रहे हैं। ये है रिस जिंजर अपनी लकड़ी को मुंह में देके। क्या कर रहे हो? से हेलो। बस 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 बस, अरे ये तो पागल हो जाता है, इसका तो एक बार ही नाम ले दो, ये पागल हो जाता है। और मम्मी और अमित भी घूम रहे हैं। क्या ऐसे हो रहा है, मेरे मुंह में से छीनो ये लकड़ी, खेलने के लिए कर रहा है करना। बस इसको ये खेल चाहिए कि इसके मुंह में से लकड़ी छीनो। खाना के चारों तरफ ना हमें बंकर बना के जाना पड़ता है, क्योंकि ये सोते सोते ना इतनी ज़्यादा करवटें लेता है, इतनी ज़्यादा उधर उधर लात वात मारता है कि ये नीचे गिर जाता है। अभी तक सो ही रहा है। गुड मॉर्निंग बेबी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, कमन 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 कमन, गुड मॉर्निंग। ये फिर से सो गया। और आज भाई इनके भी कैप उतर गई, मंकी कैप। मतलब सच में धूप होने लगी, अब अच्छे दिन होने लग गए है ना। हाँ, टेम्परेचर इज अराउंड 40 डिग्री सेल्सियस, यू नो गर्मी होने लगी। तो गर्मियों में तो इतनी गर्मी लगती है तुमको, ठंडे में तो इतनी ठंडी लगती है। दैट्स व्हाट आई एम सेइंग, 40 डिग्री सेल्सियस इतनी गर्मी है टुडे। हम और जिंजर भी धूप ही धूप ही सेक रहे हैं, हम धूप ही धूप ही ले ले हैं जिंजर। और फिर हमको नाई नाई भी करनी है दोनों बच्चों को। इसकी बोतल गिर गई, अब बोतल के पीछे भागेगा। इसे कोई मतलब नहीं कि मैं इसको प्यार कर रही हूँ, नहीं, इसे बोतल चाहिए। भाग गया। आज नई चीज मिली है ना इसे खेलने को। हाँ, मतलब नई बोतल मिली है, नई चीज नहीं। तो आज बाटल? आज पूरा दिन इसमें ही रहेगा ये। चलो बेटा सोते हैं, चलो धूप में मजे आएंगे सोने। ईयर क्लीनिंग चल रही है भाई, वापस ही करवाते हैं ये से, हमारे ऊपर भरोसा नहीं है। ओहो, और अम्मा के सूट पे पूछ रहा है। ये क्या कर रहे हो भाई, कान में से निकाल निकाल के अम्मा के सूट के। इसको देखो तो कितने मजे आ रहे हैं। आय हाय आय हाय, सही है, धूप का पूरा लुत्फ उठा रहे हैं ये लोग। जिंजर अपना खाना खा रहा है, इसको भी आजकल धूप में ही, इसको भी बड़े मजा आ रहा है जिंजर को भी आजकल धूप में। और यहाँ पर मेकअप शुरू हो चुका है। मेकअप नहीं कहते इसको, इसको कहते हैं टेक केयर करना अपने बालों की, अपनी मम्मी की, अपनी मम्मी की। मम्मी बुड्ढी नहीं है, ये तो हम बालों की कंडीशनिंग के लिए लगा रहे हैं। बाल सफेद नहीं है मम्मी के, है मम्मी है। उठा दो। और ये देखो गाइस, गरिमा कितनी मल्टी टैलेंटेड है, खाना इतना अच्छा बनाती है। हाँ। तो मैं इसके लिए होटल भी खोल सकता हूँ। ये सिर की मालिश इतनी अच्छी करती है और मेहंदी लगाते, मैं इसकी नाई की दुकान भी खोल सकता हूँ। सैलो बोल लो, जो पार्लर बोल लो, जो फीलिंग नाई कहने में आती है वो ब्यूटी पार्लर या सैलून कहने में आती है क्या। और क्या करवा सकते हैं, घर की साफ सफाई अच्छे करती है, तो ये ऐसा भी कर सकती है गरिमा। तीन काम तो हो गए हैं इसके। और मैं इसको घूमने फिरने का इतना शौक है, ट्रैवल एडवाइजर की जॉब भी मिल सकती है इसको। अरे यार वो तो मुझे यार, मैं ये कर लूं क्या, तो थोड़ा ट्रैवलिंग का कुछ कर लूं मैं शुरू। सच बता रही हूँ, मुझे फालतू मुझे इमेजिनरी में आइटिनरी बनाना इतना अच्छा लगता है। पता है मैं यूरोप की आइटिनरी बनाती रहती हूँ कि अगर किसी को 15 दिन के टूर पे जाना हो तो देख ले, तेरा मरीज सो गया वहाँ भी कर ले। मुझे मजा आ रहा है, मरीज नहीं है मेरा क्लाइंट है। हाँ तेरा क्लाइंट सो गया। हाँ तो मजे आ रहे हैं ना उनको। हाँ मैं कह रही थी यार, सच में पता है ट्रैवलिंग का कुछ कर ले क्या, मैं कर लूँ क्या कुछ ट्रैवलिंग का।
लोगों को ऐसा आइटनरी बना बना के और ये सब कुछ करना कैसे होता है? आज सर्च करूंगी क्या क्या होता है, फिर करो। और ये एनिमल लवर भी है, डॉग्स को इतना प्यार करती है तो क्रेच भी खोल सकती है अपना। अगर आपको कहीं बाहर जाना हो और आपको कुछ प्रॉब्लम हो का आप हो कि आपका डॉगी घर में अकेला परेशान हो जाएगा, अकेला नहीं रह पाएगा, यहाँ पे भी छोड़ सकते हैं तो वो गरिमा के पास भी छोड़ सकता है। तो ये चार ऑप्शन है। अभी जिंजर के साथ रख लेंगे, पर हमारा जिंजर इतना ज्यादा वो है कि उस डॉग को जीने नहीं देगा, इंसानों को ही नहीं जीने देता ये। खाना बताओ बूढ़े बाबा कैसे चलते हैं, चल के दिखाओ। चलो चल के दिखाओ, चलो। देखिए मुझे बात बना रहा था जो, और तू क्या करवा रहा है ये गरिमा से? और इनके तो बैठने का स्टाइल भी देखो, जैसे ये राजा महाराजा है और मैं इनकी दासी हूँ। तो मैंने क्या कहा था, हाँ इस पे काम करना आता है तो मैं इसे इसके काम में परफेक्ट बना रहा हूँ, तभी तो इसकी दुकान खुलेगी। अच्छा, तभी नहीं की दुकान खुलेगी। हाँ, सारे काम इसी से करवाएगा, आधा खुद भी कर लिया कर। हाँ, तो काम में परफेक्ट बना रहा हूँ ना, ना खून नहीं कटते तेरे पे अपने आप। और हाथ के हाथ के दिखाइए, चल पैर के तो इतने बड़े बड़े हो रहे तेरे हैं, हाथ के दिखा तू कर। भाई ये नहीं होता, नहीं होता किसी के पर्सनल अपीयरेंस पे नहीं करते। इतने तो कपड़े हमारे घर में है भी नहीं जितने हम धो देते हैं। भाई धूप निकले और मम्मी तो लग जाती है बस पूरे कपड़े धोने का लेके बीड़ा अपना, चाहे वो किसी ने पहने हो चाहे वो किसी ने नहीं पहने हो। तो इनमें से आधे से कपड़े हुए जो पहने रखे? नहीं, इनमें तो सारे पहने हुए ही, पर पता नहीं यार इतने तो हम नहाते नहीं। मैं तो हफ्ते में एक बार बदलता हूँ। राजेंद्र चौधरी कौन है? राजेंद्र चौधरी बाबू जी। बाबू जी है? फिर से पूछो, राजेंद्र चौधरी है क्या? राजेंद्र चौधरी है क्या? अमित चौधरी। अमित चौधरी है? अमित चौधरी कौन है? पापा। और अमित चौधरी के साथ कौन है? बाबूजी। नहीं पूछो, और पूछो, और कोई है क्या? और कोई है क्या? सुमन चौधरी भी है? खोल दो तो, चलो बुला लो। सुमन चौधरी कौन है? अम्मा। खुजी होगी, जल्दी कुछ आ दे। ये पापा की गोदी चढ़ के खड़ा है और पापा को खुजली हो रही है नोजी पे। जल्दी खुजली करो, नोजी पे खुजली हो रही है, कर दो बेटा जल्दी। हो गई फिनिश। देखो इधर, खाना भी नाराज हो गया पापा से क्योंकि पापा ने इसकी पिट्टी कर दी थी। तो पिट्टी नहीं करी, डांटा था बस। तो इसके लिए तो वो पिट्टी है ना, कौन तो अभी मनाई मनाई चल रही है। पिट्टी कर दी खाना की? सीधे देख के इधर मुंह देख के पापा पिट्टी कर दी थी पापा ने। हाँ, तो आप नाराज हो गए हो क्या? दिखाना, नाराज नहीं है। डिनर के लिए बन रहे हैं मूली के पराठे, प्याज भी मिक्स करूंगी इसमें, प्लस हरी चटनी। ये बहुत टेस्टी वाली बनाई है आज मैंने। इसमें मैंने स्प्रिंग अनियन भी डाला है, नॉर्मल अनियन भी डाला है, टमाटो डाला है, अदरक डाला है, हरा धनिया डाला है, हरी मिर्च डाली है और काला नमक, और हाँ आम का अचार पीसेस करके वो भी साथ में पीस लिया है, प्लस मेथी के अंदर मतलब मेथी का आटा है उसके अंदर मूली और प्याज भरूंगी। ये जो कद्दूकस करने वाला पार्ट होता है ना यार, ये इसमें मेरी मौत आती है। मतलब कोई कोई चीज़ें होती है ना किचन में आपको इतनी ख़राब लगती है कि आपको करना नहीं चाहते, लेकिन उस चीज़ को करके आपको बहुत अच्छे अच्छे डिशेज बनाने को मिलती है। तो ये कद्दूकस करने वाला पार्ट ना मेरा वही वाला है, बिल्कुल नॉन फेवरेट पार्ट। एक तो मेरा हर बार हाथ कट जाता है और ये घिसते रहो और मुझे कोई भी ना कद्दूकस आसानी से पसंद नहीं आता। ये जो है ना ये टूट गया है, लेकिन ये मुझे इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि इसके जो ये जो ग्रेट करने वाले ये है ना छेद, ये एकदम सही डिस्टेंस पे है। कुछ कुछ कद्दूकस में क्या होता है ना कि या तो ये बहुत छोटे होते हैं, ग्रेटिंग वाले छेद होते हैं, और या फिर किसी किसी कद्दूकस में क्या होता है कि ये बहुत दूर दूर होते हैं तो अच्छे से नहीं हो पाता, लेकिन ये एकदम परफेक्ट है इसलिए मैं इसी से करती हूँ। मेरे तो मुँह में ही पानी आ रहा है बनाते।
हियर इज माय डिनर, दिस इज मूली का पराठा, हरी चटनी, आंवले की चटनी। तो अब मैं करूँगी डिनर और काना ऑलरेडी सो गया है, अमित की मीटिंग चल रही है। काना को दिखा देती हूँ, दिस जिंजर यहाँ पता नहीं क्या करने में लगा हुआ है। तो दैट्स इट फॉर टुडे गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ शेयर दिस विद फ्रेंड्स। थैंक यू, सी यू सून।